फ्रेंड्स, वेलकम है आपका जीरो ऑयल कुकिंग रेसिपीज में। जीरो ऑयल कुकिंग रेसिपीज में आज हम लोग लौकी चने की दाल बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने कुकर में दाल और लौकी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। तो चलिए जब तक ये बॉईल होता है हम अपना इसका मसाला बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई जो है वो गर्म हो गई है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज आने लगी है, मतलब कि हमारा जो ये जीरा है वो ड्राई रोस्ट हो गया है। और अब हम इसमें प्याज और लहसुन जो हमने काट के रखा था वो हम इसमें डाल देते हैं और अब हमें इसे ड्राई रोस्ट करना होगा और उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे। और जब तक पकाना है जब तक कि हमारा जो ये प्याज और लहसुन है वो अच्छे से पक ना जाए। तो चलिए जल्दी से मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और इस प्याज को पका लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसका अगला स्टेप। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा प्याज और लहसुन ड्राई रोस्ट हो गया था उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाला है और फिर इसे पकाया है। और ये प्रोसेस मुझे जब तक करना है जब तक कि हमारा प्याज और लहसुन अच्छे से पक ना जाए। तो चलिए जल्दी से मैं इसे पका लेती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इसका अगला स्टेप। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज बहुत अच्छे से पक चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज और लहसुन का कलर एकदम चेंज हो गया है और अब हम इसमें टमाटो प्यूरे डालेंगे। टमाटो प्यूरे आप होममेड भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ये देखिए, ये मैं इसमें टमाटो प्यूरे डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें टमाटो प्यूरे डाल दिया है और अब मैं इसे चला देती हूँ। साथ ही इसमें मैं अब हरी मिर्ची और अदरक जो मैंने रखा है काट के और कस के वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो अदरक का भी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना सकते हैं, बट मैंने इसमें हरी मिर्ची को इस तरीके से काटा है और अदरक को कसा है। और अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। मसाले में मैं फ्रेंड्स गरम मसाला, हींग, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी, थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये मसाले मैं टमाटो प्यूरी जो हमने भी डाली है उसमें हम डाल देते हैं। तो चलिए मैं ये इसमें डाल देती हूँ और अब हमें इस मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। जैसा कि आप मसाला देख सकते हैं कि अभी हल्का हल्का ड्राई है, तो इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिला देती हूँ। और अब इस मसाले को मुझे जब तक पकाना है जब तक कि ये मसाला प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए और ये बिल्कुल हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे कि ये सब्जी ऑयल में बनी है। तो चलिए मैं इसे जल्दी से पका लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये जो मसाला है एक्चुअली किस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बनकर के एकदम तैयार है और ये बिल्कुल नहीं लगता कि पानी में बनी हुई सब्जी है। ये देखिए, ये सारा मसाला हमने पानी में पकाया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इस मसाले को प्रॉपरली पकाना होगा ताकि आपकी सब्जी और टेस्टी बने। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी सब्जी में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो चलिए जल्दी से मैं इसमें लौकी और चने की दाल जो मैंने बॉईल करके रखी है उसे डाल देती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमारी सब्जी
कैसी बनकर के तैयार हुई है। उससे पहले लौकी और दाल को मैं इसमें डालकर तकरीबन 2 से 5 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी और उसके बाद इसे सर्विंग बोल में डालूंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने लौकी और चने की दाल को इसमें डाल दिया है। और आपको ग्रेवी जैसी रखनी है आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसे 2 से 5 मिनट के लिए ढक करके इसे बॉईल कर लेती हूँ। एक उबाल आने तक हमें इसे पकाना होगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सब्जी जीरो ऑयल में कैसी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, जीरो ऑयल कुकिंग रेसिपी लौकी चने की दाल बनकर के तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, वाकई यकीन मानिए ये खाने में भी कई गुना ज्यादा टेस्टी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।